हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ रिज्यूम फॉर्मेट, जो कि प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। ऐसे रिज्यूम फॉर्मेट लेके आया हूँ जिसमें आप अपनी डिटेल्स को केवल कॉपी पेस्ट करके आसानी से एक अच्छा प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं, जिससे आपके रिज्यूम बनाने का टाइम बच जाएगा और रिज्यूम फॉर्मेट अच्छा होगा तो आपके रिक्रूटर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं फॉर्मेट, यहाँ पर लगभग 20 से अधिक फॉर्मेट हैं, आप इनको डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस पर डबल टैप करके अपना नेम चेंज कर लेना है। उसके बाद इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ पर स्किल्स में आप अपनी टेक्निकल स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल, इन दोनों के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चेंज कर लें या फिर यहीं रहने दें। यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना होगा और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, यहाँ पर लिंक्डइन आईडी और गिटहब आईडी अगर है तो डाल दें, वरना इसको डिलीट कर दें या फिर कुछ और किसी और आईडी को यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको बस आइकन को चेंज करना है। इसके बाद आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेंज कर लें और यहाँ पर अपना वॉलेंटियर एक्सपीरियंस या लीडरशिप के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ अबाउट मी का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर अपने बारे में यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगला फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आप अपना नेम चेंज कर लें। नेम चेंज करने के बाद अब मोबाइल नंबर चेंज कर लें और ईमेल आईडी चेंज कर लें। करियर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, स्किल्स और अचीवमेंट, इनको डिटेल में डालना है। उसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर चेंज कर दें। इन सभी फॉर्मेट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर डेट और अपना नेम डाल के इस फॉर्मेट को आप रिज्यूम को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर अगला फॉर्मेट देख सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग में हैं, आईटी में हैं, तो आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर लें। इसके बाद आपके की कॉम्पिटेंस और यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अवार्ड एंड अचीवमेंट, फिर एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आप इनको भर दें। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पर कंपनी और ड्यूरेशन, उनके के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देनी होगी और इस तरह आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। लगभग 20 से अधिक रिज्यूम है, इनका फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में पिन किया हुआ है। और डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।